कुछ समय पहले मैं पहाड़ों की चढ़ाई का शौक रखता था, लेकिन अब जब मैं पहाड़ शब्द सुनता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। ये बात लगभग 6 साल पहले की है। जब मैं हाइकिंग कर रहा था तब मैं एक गुफा के पास पहुंचा। गुफा में कुछ हड्डियां थीं। मुझे यह पता नहीं था कि वे जानवरों की थीं या लोगों की, लेकिन जब मैंने उन्हें देखा तो मैं घबरा गया। फिर मैंने गुफा के अंदर जाने का फैसला किया ताकि मैं उन हड्डियों को और ध्यान से देख सकूं। और जब मैं अंदर गया तो वहां मुझे एक अजीब सी चीज दिखाई दी, जो किसी बौने की तरह गुफा में मुड़ी हुई बैठी थी। मैंने चौंकते हुए उससे कहा, भाई तुम यहां इस अंधेरी गुफा में बिना रोशनी के क्या कर रहे हो? लेकिन मेरी आवाज सुनकर भी वह किसी मूर्ति की तरह 1 इंच भी नहीं हिला। इसके बाद मैं उसके और नजदीक गया। पीछे की तरफ से देखने पर वह किसी छोटे बच्चे की तरह दिख रहा था। मैं उसके पास पहुंचा और बोला, चलो यहां से, ये गुफा बहुत खतरनाक है। फिर मैंने उसे ध्यान से देखा, वह एक बहुत ही पतली लकड़ी जैसी हड्डियों से बना एक अजीब प्राणी था। फिर उसने एकदम से अपना सिर मोड़ा और मैंने उसके चेहरे पर बहुत बड़ी कीड़े जैसी आंखें और मुंह में बहुत भयानक दांत देखे। फिर अचानक उसने अपना मुंह खोला और उसका मुंह खुलकर लगभग दुगना हो गया और फिर उसने मेरे चेहरे पर एक अजीब सी लार फेंकी। जैसे ही वह लार मेरे चेहरे पड़ी, मुझे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। मैंने उसे पोंछने की कोशिश की, लेकिन वह गोंद की तरह जम गई थी। मैंने उसे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह लार मेरे चेहरे से नहीं हटी। इसके बाद मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने पैरों से मेरी जांघों को जकड़ लिया। उसके पैर कैंची की तरह थे, जिसके सिरे चाकू की तरह तेज थे। जैसे ही उसने अपने पैरों से मेरी जांघ पर दबाव डाला, मेरे पैरों की त्वचा फट गई और खून निकलने लगा। मैं बहुत जोर से चिल्लाया और अपने हाथों से उसे धकेल दिया और वहां बहुत तेजी से दौड़ा। वह भी मेरा पीछा करने के लिए तेजी से दौड़ा और उछलकर गुफा के ऊपर की ओर चिपक गया। मैं काफी देर तक दौड़ा और आखिरकार गुफा से बाहर निकल गया। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो गुफा के अंदर ही था और बाहर नहीं निकला, और फिर वो अंदर चला गया। इसके बाद मैंने पुलिस को फोन किया और उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई गलतफहमी हुई है। मुझे बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। जब मैं घर पहुंचा और आईने में अपना चेहरा देखा तो मेरी स्किन पर गहरे लाल निशान थे और मेरा चेहरा लार से पूरी तरह ढका हुआ था। मेरी जांघ बुरी तरह से घायल थी और उससे अभी भी खून निकल रहा था। फिर मैंने अपने चाचा जैक को कॉल किया। वह एक मजबूत इंसान थे। इसके साथ साथ वो एक अनुभवी शिकारी भी थे। मैंने उन्हें पूरी बात बताई और उनसे उस अजीब प्राणी को पकड़ने के लिए कहा। तब उन्होंने मुझसे कहा, मुझे नहीं पता कि वह कौन है, लेकिन मेरे भतीजे को घायल करने वाले को मैं माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे लिए उसे पकड़ लूंगा, तुम परेशान मत हो। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे अंकल मुझसे मिलने आए और फिर हम साथ में पहाड़ों की तरफ चले गए। हम उस गुफा को ढूंढने लगे और मैं उस गुफा के रास्ते को याद करने की कोशिश करने लगा जहां मैंने उसे देखा था। हम काफी देर तक उस गुफा को खोजते रहे और आखिरकार हमें वो गुफा मिल गई। हम धीरे धीरे गुफा के अंदर कदम बढ़ाते गए, तभी अचानक हमने अंदर कोई अजीब चीज देखी। ये वही प्राणी था जो मैंने पहले देखा था। मैंने अपने अंकल को उसके बारे में बताया और वह उस पर बंदूक तान कर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। फिर वह अचानक उछला कूदा और हम पर अपनी लार फेंकने लगा। वो लार मेरे अंकल के चेहरे पर पड़ी और उन्होंने दर्द से चीखते हुए अपनी बंदूक गिरा दी। फिर वह अंकल के ऊपर चढ़ गया और उनकी बांह पकड़ ली और उसे काटने लगा। उनकी चीख से पूरी गुफा हिल गई और मैंने उनकी हड्डियों के चरमराने की आवाज सुनी। जब मैंने ये सब देखा तो मेरा बदन डर से जम गया, मेरी टांगे भी नहीं हिल पा रही थी। मेरे अंकल की बांह बुरी तरह घायल हो गई और उनका खून बहने लगा। मुझे लगा कि वो मर जाएंगे। मैं तुरंत उछला और उनकी बंदूक उठा ली। इसके बाद मैंने सटीक दिशा में निशाना साधा और गोली चला दी, लेकिन वो अपनी जगह से हट गया। फिर वो मेरे ऊपर कूद गया। मैं लगातार उस पर गोली चलाता रहा। इसके बाद वह उछल कर दूर जा गिरा। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और वे थोड़ी देर बाद वहां पहुंच गए, और जब उन्होंने उसकी लाश देखी तो वो भी हैरान रह गए। इसके बाद वो उसे थाने ले गए। उसके बाद सभी डॉक्टर उस रहस्यमय प्राणी के शरीर की जांच करने लगे। इसके बाद मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सुना।
मेरे अंकल को अस्पताल में भेज दिया गया और उनके हाथ में गंभीर चोट के कारण सर्जरी करनी पड़ी। डॉक्टर ने कहा कि अगर कुछ देर तक और खून बहता तो उनकी मौत हो सकती थी। मेरे अंकल ने मुझसे कहा कि जब उसने उनकी बांह को काटा तो उन्हें लगा कि कोई उनकी मांसपेशियों को स्टील की कैंची से काट रहा है। उसके बाद से मेरे अंकल ने शिकार करना बंद कर दिया और अब वह हमेशा उस घटना के बारे में बात करने से बचते हैं जो कि उस गुफा में घटी थी, और मैं जब भी उस किस्से को याद करता हूं तो मेरा शरीर बुरी तरह से कांप उठता है।